The question is in the shown arrangement, both pulleys and springs are massless and the surface is up frictionless. Find the acceleration of the wedge. तो हमें इसका acceleration पता करना है इस wedge का. तो इसमें question तो आसान है but अधिकतर लोगों को problem होती है कि motion कैसे हो रहा है, कौन क्या चीज़ कैसे चल रही है. उसके लिए ये देखिए करो कि टेंशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रही है. तो देखो ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है और ये टेंशन है. ये पुली वेज का ही पार्ट है क्योंकि ये वेज से सीधा सीधा कनेक्टेड है. तो अगर आप देखोगे कि मैं अगर मानूं कि ये नीचे आ रहा, ठीक है, वो तो टेंशन की वजह से ही नीचे आ रहा होगा. इस ये टेंशन को ओवरकम करके नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है. अब इस वेज का क्या है, तो वेज के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो एक टेंशन तो ऐसे लग रही है ये वाली और एक टेंशन ऐसे लग रही है ये वाली, ठीक है जी. तो इस टेंशन की वजह से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसकी वजह से वेज आगे चलेगा, ये टेंशन आगे लग जाएगी, यानी कि वेज का एक्सेलरेशन ए वन की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है जी. अब आप क्विकली फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए तीनों के, ब्लॉक के, वेज के, ठीक है. तो पहले M3 का बना लेते हैं. M3 के लिए सिंपल सी कहानी है कि ये M3 G है और यहाँ पे T है और ये A3 है. अब बात करते हैं M2 की. M2 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये A2 है, ऊपर एक टेंशन है, नीचे M2 G है. M2 के साथ में एक और चीज़ है जो कि यहीं दिखा देते हैं कि एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इसको क्योंकि इसके कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे है और क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन एक ए वन भी होना चाहिए. अलग से बना लीजिए, साथ में बना लीजिए, आपके ऊपर है. अब बात करते हैं वेज जिसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है. उसके लिए इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स तो यहाँ लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स पीछे लग रही है ये वाली, और इसका एक्सेलरेशन ए वन एक आगे है और ये एम वन है. आपने ये बना ली, आप क्विकली इक्वेशंस लिख दीजिए. अब जब आप इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशन क्या क्या आएगी, पहली आएगी एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू एम थ्री ए, इसी लाइन में लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के. दूसरी आएगी एन इज इक्वल टू एम टू ए वन. तीसरी आएगी टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए टू. और फाइनली जो वेज के लिए है वो आएगी टी माइनस एन इज इक्वल टू एम वन ए वन. एन की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, टी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू एंड ए वन. तो बेसिकली आपके पास तीन इक्वेशन हैं, लेकिन ए वन ए टू ए थ्री और टेंशन चार वेरिएबल एक इक्वेशन होना चाहिए. तो इसके एक्सेलरेशन को रिलेट कर लेते हैं. एक्सेलरेशन रिलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कोई स्ट्रिंग है. अब स्ट्रिंग में मान लिया एक टेंशन ऐसे है और एक टेंशन ऐसे है. अगर आप स्ट्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे तो जितना स्ट्रिंग, मान लिया स्ट्रिंग ऐसे हो गया, ए ऐसे, यहाँ कुछ लगा हुआ था, यहाँ भी कुछ लगा हुआ था, मान लिया स्ट्रिंग ऐसे हो गया ऐसे पे. तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ टी डी एक्स और जो यहाँ पे वर्क डन हुआ, ये दोनों वर्क डन, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा और ये नेगेटिव वर्क डन होगा. तो जो टोटल वर्क डन है इन अ स्प्रिंग बाय टेंशन फोर्स इट इज ऑलवेज जीरो. तो अगर वर्क डन जीरो है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या पावर भी जीरो होगा, ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ टी इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टी इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ टी इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. नेट की बात हो रही है, नेट की बात है. दैट मीन्स टी डॉट वी सिग्मा इज इक्वल टू जीरो और टी डॉट ए वो भी सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी.
अब इस हिसाब से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, टेंशन और जो आपका एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया कॉस 180 डिग्री, तो यानी कि -t a3। अब आ जाइए आप वेज पे, आ जाइए वेज पे, एक टेंशन ऐसे है, वेज ऐसे मूव कर रहा है, तो कॉस 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया +t a1। इस टेंशन का जो वेज पे वर्क डन होगा वो 0 हो गया, क्योंकि थीटा तो 90 है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन इधर है और टेंशन इधर है। अब आ जाइए इस पे, टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो t a2। यानी कि यहाँ से मुझे निकल के आया, ये निकल के आया कि दिस इज 0, दैट मीन्स a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह की यहाँ कमी पड़ेगी। तो बेस्ट पार्ट है a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लीजिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन में आपके पास a1 की वैल्यू निकल जाएगी, यही तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो t की वैल्यू निकालनी है, t के लिए किसी लफड़े में मत पड़िए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि a3 की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी a3 है, हमने कहा भूल गए, a3 की वैल्यू है g - t/m3। तो यहाँ मैं यही लिख देता हूँ, g - t/m3। ठीक है जी, a3 हो गया, ये इज इक्वल टू a1 की वैल्यू निकालिए, t/m1 + m2, t/m1 + m2, ये भी हो गया। a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, a2 की वैल्यू आएगी t/m2 + t/m2 - g। ठीक है जी, इस इक्वेशन से अगर आप टेंशन की वैल्यू निकालना चाहें तो जी ये तो 2g हो गया एक तरफ, तो इज इक्वल टू, टेंशन को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा 1/m1 + m2 + 1/m2 + 1/m3। ऑब्वियसली ये उधर चला जाएगा। अगर आप एलसीएम लें तो क्या आ रहा है, एलसीएम आपके पास आ रहा है m1 + m2 और m2 m3। चलिए जी करते हैं, यहाँ पे आएगा m2 m3 प्लस, अगर देखेंगे m2 कट गया, m3 m1 प्लस m2, यहाँ से m3 कट गया, तो आपके पास आएगा m2 m1 + m2 इज इक्वल टू 2g। तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू हो गई मेरे पास 2g × m2 m3 m1 + m2 / इसमें से m1 + m2 ले जाए, तो m2 m3 + m1 + m2 और यहां बचेगा m3 + m2। ये आपकी टेंशन आ गई। अब इस टेंशन को उठा के मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन एफ या फाइनल मान लेता हूँ। तो a1 क्या है, दिस डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो अगर आप इसको यहीं पे मैं कर रहा हूँ 1/m1 + m2 कर देते तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो a1 की वैल्यू आएगी आपके पास में 2g m2 m3 / m1 + m2 m2 + m3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन।